सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 14। ये एक ड्राइंग टेबल है, ड्राइंग टेबल की ये स्केल है और इसमें हाइट इसकी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हमने इसकी जो कागज बाट है वो हाइट में की है। इसकी लेंथ हमारी है, ये आप देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 45 और हाइट 75 सेंटीमीटर है। तो इसकी ब्रेथ और हाइट जोड़ करके ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने इसको जो है वो हाइट में इसकी कागज बाट की है, हमने हाइट में पेपर रखा है। इसमें फुट्टा जो हमने यूज किया है वो है 1.8 सेंटीमीटर का, हमने इसमें फुट्टा यूज किया है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फुट्टा है 1.8 सेंटीमीटर का, ये हमने इसमें यूज किया है। हम इसकी एलिवेशन बनानी शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो इसमें जो एलिवेशन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, इसमें ऊपर फट्टी है 2 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हमने वो फट्टी इसमें लगानी है 2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर की फट्टी इसमें लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसको नाप करके 2 सेंटीमीटर की फट्टी इसमें लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से 3 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद 5 सेंटीमीटर का इसमें पाया है। तो हम पहले यहाँ से 3 सेंटीमीटर बाहर को टेबल की फट्टी छोड़ देंगे, 3 और 3 के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का पाया बना हुआ है। यहाँ भी हम पहले साइड में 3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का पाया इसमें बना हुआ है, 5x5 का। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे, 3, 3 के बाद 5 सेंटीमीटर, इस तरह से हम इसमें निशान लगा देंगे और हम इसको मिला देते हैं। देख सकते हैं इस तरह से, इसमें पाया लगा देंगे। देख सकते हैं ये जो हमारी बाहर की लाइन है हम इसको यहां से मिटा देंगे, इस तरह से। ये नहीं, ये हमारी लाइन है, हम इसको मिटा देंगे और इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यहाँ से। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने डार्क कर दिए लाइन, ये हमारे पाए हैं 5x5 के। उसके बाद इसमें ऊपर से नीचे को एक फट्टी बनी हुई है 8 सेंटीमीटर की, तो वो फट्टी हम यहाँ ऊपर से नीचे को लगा देते हैं, 8 सेंटीमीटर की फट्टी है यहाँ से। इस तरह से हम यहाँ पे अंदर इसमें 8 सेंटीमीटर की फट्टी लगा देंगे, बाहर को हम जो है वो डॉटेड लाइन लगा देंगे इस तरह से। और हमने क्या करना है, नीचे से ऊपर को इसमें फट्टी बनी हुई है एक 20 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हमने यहाँ से 20 सेंटीमीटर छोड़ना है, ये हमारा 16 और 4 20 सेंटीमीटर है, ये 20, 20 के बाद इसमें 2 सेंटीमीटर की फट्टी साइड में है, वो हमने एलिवेशन में डॉटेड शो करनी है और उसके बाद फिर इसमें 2 सेंटीमीटर की फट्टी है एलिवेशन में बनी हुई है, 2 सेंटीमीटर की फट्टी साइड में, हम इसको डार्क दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने पहले 20 सेंटीमीटर है, उसके बाद
दो सेंटीमीटर साइड में फटी है, वो यहाँ डॉटेड आएगी और एक दो, ये हमारी जो यहाँ पे डार्क आनी है। तो ये जो नीचे हमने पहले निशान लगा रखे हैं, ये हमारी फट्टी सिर्फ साइड के लिए है, यहाँ से हमने ये डॉटेड एलिवेशन में हमने शो करनी है यहाँ पे इस तरह से। ये जो हमारी फट्टी है ये हमारी डार्क आएगी इस तरह से इसमें एलिवेशन में। उसके बाद ये हमारी दो सेंटीमीटर की फट्टी है, ये हमारी डार्क आएगी इस तरह से, हम देख सकते हैं इस तरह से फट्टियाँ हमारी लगनी है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी है ये हमारा दो सेंटीमीटर है, तो हम पहले ये कर लेते हैं, इसमें दो सेंटीमीटर का निशान लगा लेते हैं। दो सेंटीमीटर का डॉटेड है हमारा ये, डॉटेड हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे इसमें एक ट्रेंगल बना हुआ है 7x7 सेंटीमीटर का है, तो हमने यहाँ से 7 सेंटीमीटर काट देना है एक साइड, और 7 सेंटीमीटर हम ऊपर से नीचे को भी काट देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम तिरछा मिला दें यहाँ से इस तरह से। यहाँ भी 7 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे इसमें, इधर को भी इस तरह से, और हम इसको मिला देते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं ये हमारे 7x7 के जो है वो इसमें ट्रायंगल बन चुके हैं, और हमारी जो एलिवेशन है ये हम हमारी बन के तैयार हो गई है। हमने एलिवेशन में इतना ही कार्य करना है, जो हमने ये एलिवेशन में कार्य किया है सिर्फ इतना ही कार्य हमारे एलिवेशन में आएगा। अब हम बनाते हैं साइड, साइड में बनाने के लिए साइड सिर्फ इसी हिसाब से बननी है जितना हमारा ये एलिवेशन बनाए, ऐसे ही हमारी साइड बननी है। थोड़ी सी चेंजिंग नीचे फट्टियों में है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमारी ये फट्टियाँ लगनी है नीचे। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, और हम 2 सेंटीमीटर जो है वो यही फट्टी हम इसमें 2 सेंटीमीटर में आगे लगा देंगे यहाँ से निशान लगा करके इस तरह से। फिर हमने 3 सेंटीमीटर के बाद वही 5 सेंटीमीटर छोड़ना है तीन के बाद पांच तीन तीन के बाद पांच इस तरह से। ये हमारा बन गया है, ये हमारे लगे पाए, ये हमने पाए बना दिए सकते हैं। ये लाइन हम यहाँ पे मिटा देंगे इस तरह से, अब हमने ऊपर से यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और हम यहाँ से लाइन लगा देंगे 8 सेंटीमीटर वाली भी इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको डॉटेड भी शो कर देंगे। उसके बाद हमने 7x7 के ऊपर पायल और ट्रायंगल हमने यहाँ लगाने हैं
तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर काट देंगे, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी हम 7 सेंटीमीटर काट देंगे इसमें इस तरह से, और हम यहाँ पे इस तरह से ये पाए, ये हमारे ट्रायंगल है, ये हम यहाँ पे लगा देंगे 7-7 सेंटीमीटर के, इस तरह से आप देख सकते हैं। और डॉटेड भी हम ऊपर लगा देते हैं, ऊपर का सारा कार्य हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। ये 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से डॉटेड जो है वो भी लग गया है यहाँ पे। इस तरह से हमें डॉटेड यहाँ पे लगा देना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नीचे से 20 सेंटीमीटर काटना है, बीस है, और 20 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर है, फिर हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, बीस सेंटीमीटर है, 20 के बाद 2 सेंटीमीटर है, फिर हमारा 2 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे नापना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी नीचे जो हमने यहाँ डॉटेड लगाए थे एलिवेशन में, यही डॉटेड हमारा है यहाँ पे, ये डार्क आ जाएगा इस तरह से। ये जो लाइन हमारी, ये यहाँ पे हमारी डार्क आनी है इस तरह से, यहाँ पे जो है ये 2 सेंटीमीटर जो है वो बीच में हमारा आना है। तो बीच में ये हम कैसे काटेंगे, यहाँ पे हमने लेना है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, यहाँ से 12 सेंटीमीटर, और 12 के बाद हम लेंगे 5 सेंटीमीटर यहाँ से इस तरह से 5 सेंटीमीटर, इस पर भी हम यहाँ 12 और 5 17 सेंटीमीटर, और ये हमारी फट्टी इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह हमारा ये एलिवेशन जो है वो सॉरी आपका साइट एलिवेशन से इसके प्रोजेक्शन आने साइट के लिए, ये हमारी साइट जो है वो इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। आपने भी इसी तरह से इसको बना है साइट में। तो अब हम हमारी एलिवेशन और साइट ये दोनों बन के तैयार हो गई है, अब हमने बनाना है इसमें प्लान। प्लान बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेने होते हैं प्रोजेक्शन, तो हम इसके साइट के प्रोजेक्शन ले लेंगे से। ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद यहाँ से हम इसको सेट स्क्वायर से ले लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर के बाद है, तो यहाँ से हम डॉटेड इस तरह से, हम ले लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने जो हमारी ये 7-7 सेंटीमीटर के है हमने छोड़ रखा है, इसके भी हमने प्रोजेक्शन लेने हैं एक्चुअल में, तो हम इसके सीध में यहाँ से या इसी के सीध में हम यहाँ से यहाँ पे हम इसमें निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसके निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसके जो है वो प्लान में हमने इसके जो है प्रोजेक्शन लेने हैं इस तरह से। अब हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं प्लान में, तो यहां से
इस तरह से, और ये हमारा है हमने सारे प्रोजेक्शन जो हमने लिए हैं ये हमने प्लान में लेने हैं, तभी हमारा प्लान सही बनेगा, प्लान के नाप हमारे तभी सही आएंगे। इस तरह से, और ये निशान हम दोनों साइड लगा देंगे, यहाँ भी हम ये निशान लगा देंगे। आप चाहो तो आप फुट्टे से भी नाप सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से निशान लगाने जैसे मैं लगा रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आप ऐसे लगाइए, नहीं लगाने नहीं लगाइए। आप फुट्टे से भी नाप सकते हैं, जैसे ये हमने ऊपर से यहाँ 3 सेंटीमीटर छोड़ा है, फिर 2 है, फिर ये 3 है, ये 3 और 2 5 सेंटीमीटर, क्यों 5 सेंटीमीटर का हमारा पाया है ये, इसके बाद यहाँ 12 सेंटीमीटर है, 12 के बाद ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारा है ये हमारा ये 7 सेंटीमीटर वाला है, तो ये 5 के बाद है, और ये हमारा फिर जो है वो 5 आ जाएगा हमारा। और इस तरह से आपने इसके निशान लेने हैं। ये हमने 2 सेंटीमीटर वाला निशान नहीं लिया है, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके प्रोजेक्शन हमने लिया नहीं है। इस तरह से लेना है इसी का निशान, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बाहर जो है वो 3 सेंटीमीटर चारों साइड छोड़ना है। उसके लिए हमने ये हमारा पाया है, तो यहां से हमने डॉटेड लाइन लगानी है इस तरह से यहाँ तक, और यहाँ भी हम इसमें डॉटेड लाइन लगा देंगे। इस तरह से इधर भी हम इसको मिला देते हैं। आप देख सकते हैं जितना भी कार्य हमारा होना है वो इसके अंदर हमारा कार्य होना है। अब हम इसमें पाए बनाएंगे 4x4 के, 5x5 के इसमें पाए है, 4 के नहीं है, 5x5 के है। तो इसके बाद हमारा ये हमारा पाए का निशान है, तो हम यहाँ से डॉटेड जो है वो पाया बना देंगे इस तरह से, और इधर भी इस तरह से, ऊपर से भी हम पाए का निशान लगा देंगे पहले से। ये हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारे ये पाए बनने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे साइड में ये पाए बन रहे हैं, यहाँ जो पाए बन रहे हैं ये हमारी यहाँ पे डबल लाइन है जो ये ऊपर आपको दिख रही है, तो ये यहाँ पे भी हमने ये पूरी मिलानी है। ये मैं अलग अलग पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, चाहता तो मैं पहले भी इसको इसी तरह से मिला सकता था सीधा ही, मैं अलग अलग करके इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये वाली लाइन है हमारी यहाँ पे जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे
ये डबल बनी हुई है, क्योंकि यहाँ हमने डॉटेड छोड़ा था ना, ये इस तरह का, ये जो फट्टी है हमारी ये 2x2 की है ना, ये हमारी एलिवेशन में 2x, ये यहाँ पे 2 है फिर ये 2 है, बट ये चौड़ी जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो ये यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे शो करना है इसको। ये देखिए यहाँ से इधर को जो है ये फट्टी है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इतना हमारा बन चुका है, अब हमने इसमें 2x2 के जो अंदर मान जो है ये वाले जो हमारे कट लगे हुए ये हमने लगाने हैं। तो यहाँ से ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमने पहले 2 सेंटीमीटर लगाना है, इस तरह से, और यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे हम 2 सेंटीमीटर, इस तरह से। इधर हमने पहले ही निशान लगा रखा है तो हमें इधर दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, इस तरह से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का निशान लगाना है, देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इतना कार्य हमारा हो चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो हमारी फट्टी है 15 सेंटीमीटर वाली, मतलब यहाँ से 12 के बाद आपकी 5 है, ये 15 नहीं है, 12 के बाद 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमने फट्टियाँ लगानी है यहाँ पे, यहाँ से ये हमारी है, ये हमारा थोड़ा घिचबिच सा हो गया है, तो यहाँ मैं नाप लेता हूँ इसको, कौन सा है ये 12 के बाद, ये है 12, ये है 12 और 17, ये वाली फटिया है, तो मैं इनको आगे लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारी फटिया है, इसको मैं लगा लेता हूँ आगे यहाँ पे डॉटेड, ये जो हमारे डॉटेड है ये बाहर तक हमारे आने हैं, यहाँ तक हमारे बाहर तक जाएंगे डॉटेड पूरे, इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारे डॉटेड बने हुए हैं ये वाले हैं, ये हमारे यहाँ पे आएंगे, ये हमारा ये दर्शाएगा कि यहाँ तक हमारा ये 7 सेंटीमीटर, ये जो है ना ये 7 सेंटीमीटर वाला निशान है, यहाँ पे ये इस तरह से आना है हमारा, इस तरह से, सिर्फ ये इतने से खाने में आना है, यहाँ बस सिर्फ इतने से आने में आना है ये 7 सेंटीमीटर का, जैसे यहाँ ये आ रहा है आपका, और इस तरह से ये हमारा प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हमारी ये स्केल जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से आपने भी इसको अच्छे से बनाना है, यहाँ पे जैसे निशान लगे हुए थे तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं और दोबारा से इस लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। अब इसमें यहाँ पे भी हम इन निशानों को हटा दें और फिर दोबारा से इस लाइन को सफाई के साथ हमने लगाना है, और इतने आराम से आपने कार्य करना है, जब आप इसको मिटाएं तो आपके स्केल पे गंद ना पड़े, काली ना आपकी स्केल हो, इसमें इसके जो प्लान बना है ये सारा टोटल जो प्लान है ये आपका डॉटेड बनना है, इस तरह से आपने भी इसको अच्छे से बनाना है, ये अब आपकी जो स्केल है वो बन के तैयार होगी, स्केल नंबर 14 है। इसमें यहाँ बचता है स्केल कार्ड, तो स्केल नंबर हमने इसमें यूज किया है 1.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने इसमें स्केल कार्ड जो है वो बना देना है अपने आप यहाँ पे, और 2 नंबर आपके तभी मिलेगी, नहीं तो ये अभी 24 नंबर का कार्य हुआ है, 2 नंबर आपका बचते हैं और वो 2 नंबर आपको मिलेंगे है फुट्टे के, तो फुट्टा जैसे आप बना देंगे वैसे ही आपको इसमें 26 में से 26 नंबर भी पूरे मिल सकते हैं। ये आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से आपने भी सफाई के साथ अच्छे से इस कार्य को करना।